नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रशी राजपूत। फिल्मों को लेकर आज के टाइम में जिस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, ऐतिहासिक फिल्मों से छेड़छाड़ करने की खबरें सामने आ रही है, लोग दंगे करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास आर के शाहरा जी, सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन में विजिलेंस चेयरमैन की पोस्ट पर है ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर के जी। धन्यवाद जी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों फिल्मों को लेकर इतना विवाद होता है, लोगों में इतना आक्रोश रहता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब पहले के मुकाबले आज की फिल्मों के में ऐसी क्यों चीज़ें होती हैं कि जो ऐतिहासिक फिल्में जब बनती हैं, खासकर राजस्थान में ज़्यादा देखा गया है, काफ़ी सारी पिक्चरें ऐसी आई हैं इसके अलावा भी, तो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, ये सब क्यों किया जाता है? फिल्म जब बनती, फिल्म जैसे मैं आपको प्रेजेंट फिल्म पानीपत का एग्जांपल देता हूँ कि फिल्म 2 साल पहले शुरू हुई थी और सबको पता है कि फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, फिल्म किस पर आधारित बन रही है, तो उस समय तो कोई बोलता है नहीं। बिल्कुल। और अभी भी रिलीज़ के पहले भी, एक हफ्ते पहले किसी ने बोला ना, रिलीज़ के 2 दिन के बाद अचानक ये मुद्दा आ गया, किसी को पता ही नहीं कि सूरजमल जी की कहानी क्या थी और क्यों बनी है। लोग इसको बजाय कि अपने जाति उसमें देखने की बजाय मनोरंजन की दृष्टि से अगर देखें तो कोई विवाद नहीं है फिल्म का। और फिल्म के बीच में पहले लिखा होता है कि ये सब काल्पनिक कथा है, काल्पनिक आधारित बनी हुई फिल्में हैं, तो एक अननेसेसरी एक पॉलिटिकल स्टंट या पब्लिसिटी स्टंट इसको बना दिया जाता है और कुछ लोग इसमें कूद जाते हैं। बाकी और भी फिल्मों में यही हुआ, पद्मावत में भी हुआ, जोधा अकबर में भी हुआ, नुकसान पब्लिक का होता है, पिक्चर देखने को नहीं मिलती है या वितरक का तो होता है। आरके जी, क्या सच में लोगों को जब ये चीज़ें होती है सामने, इतने दंगे आक्रोश होता है, लोग तोड़फोड़ मचाते हैं, मतलब पिक्चर को जो बनाता है उस फिल्म को उसके ऊपर भी गाज गिर जाती है, तो क्या लोगों को सच में इस बारे में पता होता कि हम जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं वो उस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर होते हैं या सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए करते हैं? हमें तो इसको ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट ही लगता है। हमने जब जोधा अकबर का मामला आया था, पद्मावत आया था, तो मैं खुद उस समय आईबी मिनिस्टर से मिला था जी। और मैंने उनसे कहा था कि क्यों नहीं आप इस पर एक कमेटी का गठन करें जो हिस्टोरिकल फिल्में बनती हैं उसकी कहानी को पहले अप्रूव कर दें। पर समय वो नहीं बैठ पाया। अब फिर हम कोशिश करेंगे। मैंने सुबह कोशिश की थी जावड़ेकर जी से बात करने की जी। बात नहीं हो पाई। मैं फिर कोशिश करूँगा कि भविष्य में इस तरह का कोई बात आए नहीं, इसके लिए कोई कमेटी का गठन हो और वो कमेटी बैठ कर तय कर दे, कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म बनती है उसको अपलोड कर दे। कहानियाँ कई होती हैं, राइटर कई होते हैं, लाइन अलग अलग होती है, तो अब गौरीकर ने अगर पिक्चर लिए तो किसी सोच समझ के लिए होगी। अच्छा, अभी राजस्थान में विरोध क्यों हो रहा है? हाँ, राजस्थान में, पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? तो ये चीज़ें क्या पहले से तय होती हैं या फिर आजकल देखा गया है कि अगर जिस पिक्चर के साथ ऐसा विरोध या विवादों में जो वो आ जाती है तो उसके उसको देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब उस पिक्चर को फिर बार बार देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इसमें जो इसको लेकर इतना विवाद हुआ है, तो पहले डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही क्यों नहीं देखता है कि हम इस चीज़ को अगर उसमें डाल रहे हैं उस पिक्चर में तो ये विवाद का कारण बन जाएगा? देखिए, कड़ी होती है, पिक्चर लिखने वाला दूसरा होता है, डायरेक्टर दूसरा होता है, बनाने वाला दूसरा होता है, फिर वो एडिट भी होती है, कई प्रोसेस से आप भी बनाते हैं चैनल तो कई प्रोसेस से होके बाहर निकलता है। मेरा तो कहना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी फिल्में ऐसी आई हैं, बॉम्बे एक फिल्म आई थी, या आप पहले की हिस्ट्री पे जाइए, कितनी फिल्में बनी हैं हिस्टोरिकल, कभी उस पर बवाल क्यों नहीं हुआ? नहीं, पिछली पहले जो पिक्चर्स बनती थी ऐसा कुछ, पर आज के टाइम में ही क्यों ऐसा? कुछ लोग क्या होता है कि शुरू एक आध आदमी करता है, उसके पीछे फिर पीछे कई लोग ऐसे, अभी भी आप ये जितने लोग कूद रहे हैं इनमें 20 आदमियों से आप कैमरा लीजिए और उनसे पूछिए कि सूरजमल कौन था, नहीं बता पाए या क्या था, वो बता दें तो आप मेरे को बता दीजिए। इस पिक्चर में भी जो पानीपत की जो अभी विरोध चल रहा है, जैसे कि अभी हाईलाइट है ये, तो काफ़ी जयपुर में भी सिनेमाघरों में तोड़फोड़ हो गई, लोगों ने दंगे किए और नहीं राजस्थान में इसको बोला कि बैन कर दे, कई मंत्री भी इसमें सामने आए हैं जिन्होंने बोला है कि इस पिक्चर को बैन कर दिया जाए, तो जब पॉलिटिकल पार्टी इसमें जुड़ रही है तो ये मुद्दा भी बड़ा ही है। बैन कर देने से क्या होगा, वैसे पिक्चर नहीं चल रही है,
पहले दिन पिक्चर के जो कलेक्शन थे वो अप टू द मार्क थोड़े थे, या पिक्चर की जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट बनाई है पिक्चर की, वो इस तरह की नहीं है कि हर आदमी देखना, जैसे पद्मावत को हर आदमी देखना पसंद कर रहा था या और किसी फिल्म को कर रहा था, तो ठीक है अब बना दिया इश्यू तो वो मंत्री लोग भी कूद जाते हैं मैदान में एक दो। अब वो जाति वाला मामला आ गया ना, जाति वाला और वोट बैंक आ गया, क्योंकि हर जैसे कि राजपूतों को लेकर, खासकर मैं एक ऐसे नाम नहीं लूंगी, अलग अलग जाति के लोग अपने अपने इस चीज को लेकर प्रदर्शन करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी उस चीज को गलत दिखाया गया है। कोई भी मंत्री अपने जो जाति से संबंध रखता है वो अपने वोट बैंक को माइनस कभी नहीं करेगा, उनके फेवर की बात करेगा। क्या इन सब ने जो कल जिन लोगों ने बोला है, इन्होंने फिल्म देखी जी? किसी ने नहीं देखी। पहले फिल्म देखते, हमको बोलते, हम शो कर देते एक एक्स्ट्रा, सब लोग फिल्म देख लो, कोई बात है निकाल लो, बात खत्म हो गई। पर्यटन मंत्री जी ने भी ट्वीट करके ये सब चीज़ें बोली हैं कि जब भी अगर कोई पिक्चर आती है ऐसी जो ऐतिहासिक तथ्यों पे बनती है तो वो पहले हमें दिखाई जाए, ताकि हम उसमें से वो पिक्चर देखकर हम ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अब ये दिखाने लायक है लोगों को और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे ये विवादों में आ जाए। तो क्या ये सही है कि ऐसे दिखाकर फिर आगे लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि इस तरह की चीज़ें? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक कमेटी बनी हुई राजस्थानी फिल्मों की जो, या एक कमेटी बनी हुई जो टैक्स फ्री करती है किसी भी फिल्म को, उसमें ये लॉ में ये है कि वो पूरी कमेटी फिल्म की स्क्रीनिंग देखेगी। मैंने कितनी फिल्में टैक्स फ्री कराई हैं, किसी के पास समय नहीं है, सब कहते हैं कि सीडी भेज दो, डीवीडी भेज दो जी, हम फिल्म देख लेंगे। अच्छा, सचिव वाले की अलमारी में सात सात एक एक फिल्म की 7 डीवीडी लेते हैं, कितनी डीवीडी भी पड़ी हुई हैं, उसके रैपर ही नहीं खुले हैं, वो भी कर देंगे। लेकिन अगर मंत्री जी बोलेंगे आगे से फिल्म का शो हम करा देंगे, हम बोल देंगे प्रोड्यूसर को, हमारा तो रोजाना का काम है, हमें कोई बोले हम अप्रोच करें एसोसिएशन को, हम बता देंगे भाई फिल्म का शो कर लो, हमारा फिल्म बॉन्ड मौजूद है। ये विवाद तो होते ही हैं, इस विवाद से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि सिनेमाघर में जो पिक्चरें दिखाई जाती है ऐसी, तो अगर वो नहीं दिखाएंगे और अगर उन्होंने दिखाई तो लोग आके दंगे करेंगे, वो उनका नुकसान होगा, वो कहाँ जाएंगे? अब पहले हुआ ना, बहुत नुकसान हुआ, पद्मावत में बहुत नुकसान हुआ, जोधा अकबर में नुकसान हुआ, काली साहब जबरदस्ती कूद पड़े थे मैदान में, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, दिल्ली में हो गया, फिर धीरे धीरे और जगह बढ़ गया, तो इससे क्या पब्लिक का नुकसान होता है? बिल्कुल, थिएटर का नुकसान होता है, कभी किसी की चोट भी लग जाती है, बच्चे होते हैं देखने में, कई तरह के नुकसान तो है ही है, पर इस तरह एजिटेशन थोड़ी किया जाता है कि आप टिकट ले लो अंदर जाके तोड़फोड़ करो। तो क्या सच में पिक्चर बनाने वाले के दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि क्या ये सोच समझ के कि हाँ ये सारी चीज़ें डालेंगे तो हमें और पब्लिसिटी मिलेगी, या फिर उनको ये चीज़ से कोई पता ही नहीं होता है और वो जब बना देते हैं तब उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है? अब डायरेक्टर ये आशुतोष गोवारिकर जी को भी इस चीज का एहसास हो गया होगा कि इतनी सारी चीजें, पहले ही बनाई, जोधा अकबर भी बनाई थी, उसमें भी विवाद था, विवाद हुआ, जोधा अकबर राजस्थान नहीं चली, बाकी सब जगह चली, सिर्फ राजस्थान नहीं चली, बाकी पूरी इंडिया में पिक्चर चली सक्सेसफुली। तो पूरी इंडिया में पिक्चर चली, सिर्फ राजस्थान में नहीं, तो इसका मतलब चीजें यही ज्यादा हो रही है राजस्थान में ही होती है। आप इसमें बता दीजिए, क्या यूपी में सूरजमल जी के चाहने वाले नहीं है क्या? बिल्कुल, या और जगह नहीं है क्या? बॉम्बे में नहीं है क्या? सब जगह है, पर यही क्यों होता है? ये तो सिर्फ चलता रहता है, ये कुछ लोग कूद जाते हैं मैदान में और वो एक करने से। तो क्या ये सब चीजें सही है, मतलब ऐसा करना इस तरह से, अगर हम उस पिक्चर का विरोध करके कोई अगर करता है तो ये चीजें लोगों तक क्या संदेश देती है कि क्या सच में उनको ऐसा करने में उनका कोई फायदा है? आप भी जानते हैं फायदा किसको है, सब पार्टियां बन जाती हैं उन्हीं को फायदा है, ना तो किसी वितरक को फायदा है, ना किसी सिनेमा वाले को फायदा है। अब क्या होगा, कोई इससे पॉलिसी थोड़ी मिल रही पिक्चर को, लोग जा नहीं रहे सिनेमा घर में, क्या तोड़फोड़ हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, लोगों ने अपने पाँव खींच लिए, तो फायदा तो पॉलिटिकल होता है, बाकी किसी को नहीं होता, सबको नुकसान ही है। लेकिन सर देखा जाए तो पहले के मुकाबले आजकल की फिल्मों में ही ऐसा क्यों? पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी सामने कभी। मैंने बताया ना, आजकल ये कुछ तो पब्लिसिटी वाला मामला हो गया है, पहले होता था, लिखते थे सभी फिल्मों में आता है ये काल्पनिक कथा है, इसको किसी के पक्ष या किसी जाति के उसके लिए नहीं किया गया है, बात खत्म। उसके बाद पहले भी लिखा होता था, आज भी लिखा होता है,
बहुत सी फिल्में ऐसी आ गई हैं जो चलती नहीं है ना, उनमें ये सब चीजें होती हैं, उनको कोई नहीं बोलता क्योंकि वो चलती नहीं। जी, तो अभी जिस तरह का इसमें विवाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि विवाद कितना लंबा जाएगा या फिर ये सब ठंडे पड़ जाएंगे और पिक्चर चल पड़ेगी? वैसे ही पिक्चर कल परसों उतर जाएगी, उसके बाद ठंडा है, किसने देखनी है फिल्म? बृहस्पतिवार को पिक्चर उतर जाएगी, शुक्रवार को नई फिल्में लग जाएंगी। आजकल वैसे एक हफ्ते का क्रेज है पूरी फिल्मों का। जी। दूसरे हफ्ते में तो बहुत कम फिल्में चलती हैं, एक एक शो में चलती हैं। मत चलाओ फिल्म को, कौन सा बिगड़ जाएगा? प्रोड्यूसर को कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल। जोधा अकबर मेरे को पता है, उसने बिल्कुल क्रॉस कर दिया था रास्ता नहीं चलानी पिक्चर, नहीं चली ना। पद्मावत क्रॉस कर दिया था रास्ता नहीं चलानी पिक्चर। जो आदमी 200-300 करोड़ लगाता है या पिक्चर में उम्मीद करता है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए की क्या है? ठीक है, नहीं चली ना, सही। उसका यहाँ का एडवांटेज दूसरी जगह मिल गया ना। यहाँ जो पब्लिसिटी होती है वो दूसरी जगह निकलती है, वहाँ मिल जाएगा। इस पिक्चर के वजह से डायरेक्टर का पुतला भी फूंका गया, उसके ऊपर भी काफी चलता रहता है। पुतले फूंकने से क्या होता है डायरेक्टर के पुतले से? जो जिसने पिक्चर लिखी उसका पुतला फूंको, डायरेक्टर तो परोसने वाला होता है। बिल्कुल। खाना बनाने वाला रसोईया होता है, परोसने वाले आपुर में होते हैं, खाने वाला तीसरा आदमी होता है। तो इसमें कोई दम नहीं है मैडम इन बातों में। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है इस चीज़ का, क्या सारांश निकलता है कि इस ऐसा है? मैं इसमें केंद्रीय जो फिल्म सेंसर बोर्ड है और जो आईबी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनसे बार बार पहले भी मैंने बोला, मैं आज भी बोलूँगा कि वो एक कमेटी का गठन कर दें। उस कमेटी में कुछ ये लेखक हों और वो सब, और बॉम्बे प्रोड्यूसर हमारी एसोसिएशन है या पिक्चर का टाइटल रजिस्टर्ड होता है, वहाँ बता दें कि इस तरह की कोई भी फिल्म बनाता है तो वो पहले स्क्रिप्ट को अप्रूव करा ले, दिखवा ले, उसके बाद में पिक्चर बना ले, तो वो पहले ही विवाद खत्म हो जाएगा। चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए तो बाद में इससे चीज़ बिल्कुल हो जाएगी, सीधे सही साहब, और कोई मतलब ही नहीं। तो आज की खास मुलाकात हमारी आर के शाहरा जी के साथ यहीं पर समाप्त होती है। हमने बात की कि किस तरह से फिल्मों, ऐतिहासिक फिल्में खासकर जो बनती है उसमें विवाद जो चलते हैं, इतने दंगे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें उसमें होती है, और किस तरह के क्या फ़ायदा और क्या नुकसान इसके बाद झेलना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर के शाहरा जी हमारे स्पेशल शो में आने का और हमसे खास बात करने का। इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।